तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन आता है कि टॉप हमें के फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स चाहिए हमें। तो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन कौन से, देखिए अगर हम यहाँ पे नम्स लें, अगर हमारे पास इनपुट में नम्स है, यहाँ पे देखिए 1 1 1, 2 2, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। और अगर हम के की बात करें, के 2 है, तो यहाँ पे इनपुट हमने दिया और टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, दो, मतलब कि हमें दो फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, दो फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए। तो देखिए दो चाहिए, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, वन आया, ठीक है, वन लिख दिया। और दूसरा क्या, दूसरी बार में क्या सबसे ज़्यादा, टू आया, तो दो लिख दिया, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन लिखना है हमें। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कि सपोज करिए नम्स से हमारे पास में लिखा है 1 1 2, ठीक है, तो और के हमने पास कर दिया 1, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट क्या है, देखिए 1 एक ही चाहिए ना हमें, के तो एक ही है ना, तो हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए, तो 1 दो बार आ रहा है, सही है, ठीक है, हो गया। बट अगर 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 ये आउटपुट 1 तो आ गया, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर दो, यहाँ पे हम 2 एक और बढ़ा दें, ठीक है, तो अब देखिए 1 भी दो बार है, 2 भी दो बार है, ठीक है, दोनों ही दो दो बार है, और हमें एक फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए था जो कि कोई भी हो सकता है, तो ये क्योंकि दो बार दोनों ही दोनों हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों देने पड़ेंगे, कि दोनों ही दो दो बार आ रहे थे, ठीक है, इसलिए ये रीजन है। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम सोचते हैं, ठीक है, देखिए सपोज करिए हमारे पास नम्स यहाँ पे, सपोज क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास नम्स तो है, नम्स है हमारे पास 1 1 1, 2 2 और 3, ठीक है, ये हमारे पास नम्स है, और के दे रखा है 2, मतलब दो फ्रीक्वेंट हमें एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, टेबल क्रिएट करके हम जरा सा समझ लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। और देखिए हम देखेंगे कि जो भी हर एक नंबर को, जो कि मतलब बार बार आ रहा है, उसको नहीं स्टोर करेंगे, हर एक नंबर को लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3, देखिए इस नंबर में 1 2 3 तो है, अब 1 कितनी बार आया, 1 3 बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 2 बार आया, 3 कितनी बार आया, 3 1 बार आया, देखिए ये लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिखा है मैंने नंबर ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, कितनी बार ये आया है, ठीक है, और कौन सा नंबर है, यहाँ लिख दिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो मोस्ट फ्रिक्वेंट चाहिए, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट है 3, सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार क्या आ रहा था, 1 आ रहा है, 3 बार 1 आ रहा है, तो हमने 1 आउटपुट में दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे k की जगह 2 दिया है, k इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हमें दूसरा मोस्ट फ्रिक्वेंट चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, फिर से हम यहाँ पे सबसे दूसरा ढूंढते हैं, 3 के बाद कौन सा सबसे ज़्यादा आया है, तो 3 के बाद सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 2 आया है, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे हमें कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बकेट सॉर्ट यूज़ करना पड़ेगा, कैसे यूज़ होता है बकेट सॉर्ट मैं दिखाता हूँ, देखिए अगर यहाँ बकेट लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए बकेट कैसे यूज़ होता है, हमें करना है कि कितनी बार क्या ऑकरेंस हो रहा है, उसके साथ उसके नंबर को लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो बकेट बनाएंगे वो उसमें कुछ इस तरीके का दिखा, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास नंबर क्या आ रहे हैं, देखिए तो 0 बार कौन सा नंबर आ रहा है, कोई भी नंबर नहीं आ रहा 0 बार, ठीक है, एक बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एक बार 3 आ रहा है, देखिए एक बार कौन सा नंबर आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है, दो बार कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, और 3 बार कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, ये लिख दिया हमने सिंपल तरीके से, ये बकेट बनाया हमने कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है उसको लिख दिया हमने, ठीक है। अब लेकिन जो जो चीज़ हमने नंबर ऑकरेंस के ऊपर लिखा है, और नंबर जो है उसको अंदर लिखा है, अब उल्टे साइड से चलेंगे हम लोग, अब उल्टे साइड से चलेंगे कि उल्टे साइड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर होगा ना, नंबर ऑफ ऑकरेंस जैसे 3 है, तो 3 बार क्या है, 1 है, तो 1 रिटर्न कर देंगे, और उसके उसके उल्टे चलेंगे तो 2 बार 2 आया, उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, तो के 2 था, इस वजह से दो वैल्यूज हमने रिटर्न कर दी। लेकिन अगर आप ध्यान रखिए, सपोज करिए हमारे पास 4 और 5 होता, ठीक है, सपोज करते हैं, बाकी अगर हमारे पास 5 में भी सपोज करिए एक वैल्यू होता कि 5 है हमारे पास, ठीक है 7 है 5, ठीक है 7 आ रहा है 5 बार, फिर 4 कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो क्या हम ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, नहीं लिखते ना, ये लिखने के बाद हमें ये लिखना पड़ता ना, तो यहाँ पे इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस वाला एम्प्टी ना हो ना, इसको भी चेक करना पड़ेगा अच्छे से। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते कैसे सॉल्व करोगा, ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोड पे पार्ट पे आते हैं, ठीक है, कोड के पार्ट को बड़ा करते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, बढ़ाते हैं, ठीक है, सिंपल एकदम खाली से शुरू करते हैं, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें लेना पड़ेगा एक मैप, ठीक है, तो लेट मैप इज इक्वल टू, यहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, उसके बाद एक बकेट लेना है ना, तो बकेट में हमारे पास आएगा जिसमें क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कितनी बार कौन सा नंबर आया है, ठीक है, तो ये हमारे पास बकेट है, बकेट में क्या होगा कि
उस पार्टिकुलर जो नंबर ऑकरेंस है उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, ठीक है, कितनी बार कौन सा नंबर ऑकरेंस हुआ और उसकी वैल्यू कितनी है। फिर हमारे पास रिजल्ट होगा जो कि रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट को भी खाली बना देते हैं अभी, तो खाली में रिजल्ट करना प्रिंट कर ले। अब क्या करते हैं, पूरे लूप तक की चलता है, ठीक है, पूरा लेट आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर आई इज स्मॉलर देन, आई स्मॉलर देन क्या, नम्स, जो हमने यहाँ पे नम्स पास किया, ठीक है। तो नम्स डॉट लेंथ, अब आप पूछ रहे होंगे नम्स क्या है, तो मैं नीचे से भी दे देता हूँ नम्स को भी क्या होगा, ठीक है। तो आई प्लस प्लस ये हमारा लूप है, ठीक है। बाकी मैं नम्स को देता हूँ अभी, तो कॉन्स्ट नम्स वन इज इक्वल टू, ठीक है, तो कॉन्स्ट नम वन इज इक्वल टू ये हमें देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यहाँ से दे देते हैं। नम वन क्या क्या था, ये था और के ये था, तो नम और के पास करना, तो नम और के हो गया, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे क्योंकि रिटर्न करेंगे तो कंसोल में कंसोल डॉट लॉग करके हम नम्स पास करेंगे, तो आप के फ्रीक्वेंट में क्या पास करेंगे, नम्स, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पास करने वाले हम लोग, के, ठीक है। तो टारगेट है हमारे पास, तो ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है, इनको हमने ले भी लिया ऊपर। अब देखिए एक लूप चल रहा था हमारे पास, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ के अंदर पूरा लूप चल रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कहते हैं कि अगर जो लूप में आ रहा है ना वो वैल्यू ना हो, ठीक है, तो मैप में वो वैल्यू ना हो, नम आई, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, की हो गई, ठीक है। तो अगर ये की ना हो तो ये लोग की और इसके साथ एक वैल्यू डाल दो, और इसके साथ एक वैल्यू डाल दो, कौन सी, वन, ठीक है। और अगर की हो, एल्स पार्ट चलाते हैं, अगर की हो तो ऐसा करो कि नम्स में जो वैल्यू पा रही है उसको प्लस प्लस कर दो। देखिए पहले वाला चीज़ तो हो गया, मैंने बताया था आपको कि जिसमें हमें क्या करना है, नंबर्स को दिखाना है कि कितनी बार ये वाला, ठीक है, जिसमें बताना है कि नंबर्स को, ये देखिए ये वन 3 बार आ रहा है, टू 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया। बाकी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जिसमें बकेट में करना है स्टोर। तो फॉर लेट नम और दूसरा क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी, इसकी ऑफ मैप की ना, तो ऑब्जेक्ट्स डॉट एंट्रीज और यहाँ मैप ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स डॉट एंट्रीज मैप, ठीक है, पूरा हमारा मैप का आ गया, इसी की एंट्रीज चाहिए हमें मैप की। तो हम कहते हैं अगर बकेट जो है वो खाली है, ठीक है, यहाँ पे नम जो है वो की हो गया और वैल्यू क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अब हमारे पास इस तरीके से नम और की और वैल्यूज हमने ले लिए, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे इफ जो हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है, बकेट में इफ अगर फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू नहीं है बकेट में, ठीक है, तो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि बकेट में फ्रीक्वेंसी सेट कर दो, मतलब कि वैल्यू सेट कर दो। तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हम क्या करेंगे, न्यू सेट करके वैल्यू डालते हैं, हम न्यू सेट करके एक वैल्यू को ऐड करते हैं, डॉट ऐड नम, तो सेट बना के नम को ऐड कर दिया, ठीक है, बकेट फ्रीक्वेंसी में। और नम क्या है हमारे पास, यहाँ पे नम यहाँ पे हमारे पास है, हमने यहाँ पे की ले लिया वैल्यू को, और वैल्यू को जो हमारे पास थी वो नम बना दिया, ठीक है, ये चीज़ की हमने। बाकी एल्स पार्ट चला सकते हैं, एल्स पार्ट क्या कहेगा कि ऐसा करो, बकेट लो, बकेट में फ्रीक्वेंसी डालो, और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इक्वल टू बकेट फ्रीक्वेंसी डॉट ऐड कर दो नम, ठीक है। तो अगर पहले से ही हमने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो भी फ्रीक्वेंसी नंबर है ना उनके हिसाब से क्या कहते हैं सेट कर दिया, ठीक है, वैल्यू को, अब क्या करते हैं हम लोग, लास्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि सबसे ज़्यादा रिवर्स से मतलब पीछे की तरफ से हमें वैल्यूज को भेज देना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑकरेंस कौन कौन से नम्स हैं। फॉर लूप चलाते हैं, लेट आई इज इक्वल टू हमारे पास है बकेट डॉट लेंथ माइनस वन, बट आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, आई माइनस माइनस, ठीक है, उल्टा चलाते हैं पीछे से,
बाकी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर बकेट आई इंडेक्स पे है, ठीक है, अगर बकेट आई इंडेक्स पे, तो रिजल्ट पे पुश कर देते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट मतलब ये आ रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, पूरा पूरा पुश कर देते हैं, तो ये हमारे पास बकेट हो गया, ठीक है, कौन सा, उसी पार्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से, लास्ट वाले इंडेक्स के ना, तो लास्ट वाले इंडेक्स के हिसाब से हमने पुश कर दिया, और देखना पड़ेगा कि कितनी बार चल रहा है रिजल्ट, तो रिजल्ट को हमेशा उसकी लेंथ इज इक्वल इक्वल टू, रिजल्ट डॉट लेंथ इक्वल 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 टू के तक की बस चेक करनी चाहिए, ठीक है, अगर के हो गई तो उसके बाद उसको ब्रेक कर दो, बाकी सही है। आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे हम यहाँ पे रिजल्ट को शो कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को, बाकी यहाँ रन करके देखते हैं तो चल रहा है कि नहीं, टेस्ट केस पास कर रहा है बस, ऑब्जेक्ट जो है एंट्रीज मैप रिटर्न वैल्यूज इज नॉट एट्रिबल, चलो एंट्रीज का देखा, एंट्रीज की स्पेलिंग गलत लिखी ना, अब रन करके देखते हैं, तो ये केस पास हो गया, सेकंड केस ही पास हो गया, ठीक है, देखिए आ गया हमारे पास, ठीक है, सबमिट कर देते हैं इसको।